चलिए भी पढ़ना स्टार्ट करें। अब साउंड नहीं है इसमें, साउंड नहीं है, अब ये सिस्टम ही ऑन नहीं है। कोई स्विच ऑन होगा ना। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। ये सुबह आके सबसे पहला काम जिसकी यहाँ ड्यूटी है ना कि ये टेस्ट सही हो गया, चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये सबसे पहला काम होता है। ठीक है, मार्कर चेक कर लें, साउंड चेक कर लें। चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। आज हम कल क्या टॉपिक पूरा किया था? विधानसभा कंप्लीट हो गई थी कल। ठीक है, बताओ कितनी विधानसभाएं हैं भारत में? 30 विधानसभा में 28 तो राज्यों में हैं और 2 हैं दिल्ली प्लस पुदुचेरी। इन विधानसभाओं में जो नेता होता है वो राज्य में किस पोस्ट पर क्या कहलाता है, वो राज्य का सीएम। और हर विधानसभा में कितने से कितने के बीच में विधानसभा अगर चाहे तो किसका निर्माण भी करवा सकती है? विधान परिषद का। और परिषद बनवाने के लिए इसको एक कागज पत्री तैयार करना पड़ेगा जिसमें इसके जितने टोटल मेंबर हैं उसके आधे से ज्यादा और जितने प्रेजेंट हैं उसके 2/3। अब जैसे जितने इस क्लास में स्टूडेंट हैं सब रोज प्रेजेंट नहीं होते, जितने बच्चे अपना एडमिशन ले चुके हैं उनमें से कुछ कभी 10 को काम है, कभी 20 को काम है। यानी टोटल नंबर और नंबर ऑफ प्रेजेंट ये अलग अलग हैं। कितने हैं? जो प्रेजेंट हैं उसके 2/3 और जो हैं उसके आधे से ज़्यादा। अगर इस कागज़ पर साइन कर दें कि हम चाहते हैं हमारे राज्य में क्या बना दिया जाए, विधान परिषद, तो फिर ये कागज़ चला जाएगा दिल्ली संसद भवन में, इस पर डिस्कशन होगा और इस तरह से कोई भी राज्य अपने यहाँ किसका गठन करवा सकता है। कम से कम मेंबर कितने चाहिए? हाँ, इसीलिए इस बात को समझो कि हरियाणा या दिल्ली विधान परिषद नहीं बनवा सकते, क्योंकि देखना हरियाणा का एक एग्जांपल लूँ, 90 है, अगर मैं इसका 1/3 निकालूँ तो कितना बनता है? 30। ये तो मैक्सिमम 30 बना सकते हैं हम, सोचो मिनिमम तो हम पूरा ही नहीं कर पा रहे, हम मैक्सिमम के भी इर्द गिर्द नहीं पहुंचे, मिनिमम के भी। इसलिए आपके जैसे राज्य या दिल्ली जैसे राज्य, जैसे यूपी है तो कितने लेके बैठा है? 403। इसमें से आराम से 40 वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी। लेकिन छोटे राज्य अगर लिख दें भैया हमें यहाँ पे विधान परिषद बनवानी है तो कहीं आपको जरूरत ही क्या है? आपके 70 MLA हैं दिल्ली जैसों के, हरियाणा जैसों के 90, आपके यहाँ विधान परिषद की जरूरत ही क्या है? आप सारे काम इतने छोटे स्तर पे खुद नहीं कर सकते। हाँ, जिनकी कंडीशन ऐसी है कि भैया जहाँ 400+ हो रहे हैं, कहीं 300+ हो रहे हैं, तो ठीक है, ये लाजमी है कि इनके लिए परिषद बनाई जाए। और बिना जरूरत के परिषद खत्म भी करवाई जा सकती है। मैंने 3 एग्जाम्पल आपको कहा था, याद रख लेना, क्या क्या थे? बंगाल, पंजाब और हाँ तमिलनाडु, है ना, ये 3 थे। कश्मीर में खुद नहीं खत्म करवाई, कश्मीर की खत्म हो गई क्योंकि आर्टिकल 370 पिछले साल खत्म कर दिया गया। ये सब हमने पढ़ लिया था, बहुत अच्छी बात है, जिनको याद है। 1/6 क्या था? कौन थे 1/6? अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स। कहाँ बैठेंगे? विधान परिषद में। इनका क्या खास, ये पॉइंट अलग क्यों है? क्योंकि इनका क्या होगा? मनोनयन, या कह लीजिए इनका नॉमिनेशन होगा। कौन करेगा? हाँ, आपके राज्य का गवर्नर या राज्यपाल। ये 5 फील्ड के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता, कोई भी जो इन फील्ड से बिलोंग करता हो, 1/6। अगर वो पूछे कि निर्वाचित बताओ कितने होंगे, तो क्या कहोगे? 5/6, तभी तो 6/6 आएगा ना। तो ये 5/6 निर्वाचित होंगे जिसमें से आप अच्छी तरह जानते हो, 1/3 नगर निगम, नगर पालिका, जल बोर्ड, बिजली बोर्ड, स्थानीय निकाय, जो लोकल लेवल की बॉडीज हैं, ये बनाएंगी। 1/3 को MLAs, 1/12 स्टूडेंट्स और 1/12 टीचर्स। आप सबको पता है कौन स्टूडेंट कौन टीचर, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज इससे अगले टॉपिक पे निकालो जरा, शायद राज्यपाल का टॉपिक होगा इसके आसपास, देखो जरा। और इनको साथ साथ एग्जाम के लिए तैयार करते चलना, एग्जाम में ये सब चीज़ें आती हैं। हमने 174 पेज पढ़ा था ना लास्ट कल, मतलब 182 धन विधेयक, यही पढ़ा था। इसके आगे आ जाओ, गवर्नर का टॉपिक है राज्यपाल। कल लास्ट धन विधेयक के ऊपर बातचीत हुई थी जितना मुझे याद है, ठीक है। इसी से अगला टॉपिक है राज्यपाल, गवर्नर। बस अब किताब को छोड़ के बोर्ड पे देखो, ये टॉपिक बहुत डिटेल में पहले समझना पड़ेगा, फिर किताब से इसको पढ़ के और तब एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है राज्यपाल, जिसको आप कहते हैं किसी भी राज्य का क्या कहलाता है, ये गवर्नर। गवर्न करना मतलब क्या होता है? गवर्न करना, किसी चीज़ का क्या करना, गवर्न करना, भाई ये मेरा, मैं इसको गवर्न कर रहा हूँ, इस काम, इस चीज़ को, इसका मतलब आप उसको संभाल रहे हो, आप उसके केयर टेकर हो। ये एक राज्य का केयर टेकर है, किसी भी राज्य में जो सबसे बड़ा केयर टेकर है, जो देखता है गलत तो नहीं हो रहा, सीएम है। सीएम की जिम्मेदारी है काम करना, काम करने वाला कई बार गलत कर देता है, उसे पता ही नहीं चलता, तो ये ऊपर बैठ के देखता है कि मेरे राज्य में काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। अभी जैसे एक एग्जाम्पल है, हरियाणा में बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ, सबको पता है ये बात, पर आपकी राज्य सरकार जानबूझ के इसको बताएगी नहीं, ना न्यूज़ चैनल्स कवरेज दे, ना कुछ हो। तो अब आपके गवर्नर की जिम्मेदारी है कि जब वो रिपोर्ट भेजेगा, कितने दिन की रिपोर्ट जाती है? 15 तारीख की रिपोर्ट 16 तारीख को जाएगी, 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को रिपोर्ट चली जाएगी दिल्ली, जिसमें इन 15 दिनों के कामकाज लिखे जाएंगे, जिसमें कि पेपर के विरोध में जितने बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं ना, आज भी बड़ा प्रदर्शन है हिसार में, परिमल सर इसलिए आज क्लास नहीं ले रहे, वो सुबह निकल गए, ये सब रिपोर्ट बनेगी। और ये रिपोर्ट जब सीएम इसके गृहमंत्री के पास जाएगी ना, तो वो देखेगा कि क्या हो रहा है, और फिर वो यहाँ के सीएम को कहेगा भाई क्या हो रहा है, इसको संभालो, या तो ये कैसा मामला है इसके ऊपर, या तो भैया लीपा पोती करो, या जैसे भी है लोगों को शांत करो। यानी आपके पल पल की खबर, 15 दिन की खबर कौन पहुँचा देगा? गवर्नर की खासियत ये होती है, किसी भी राज्य में एक पार्टी होती है जो लीड में होती है, जिसका आदमी क्या बनता है, और दूसरा आदमी होता है टक्कर का गवर्नर। अब आपके हरियाणा का एग्जांपल अगर मैं लूँ, यूपी का एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो यहाँ सरकारें भी बीजेपी की और गवर्नर भी बीजेपी के। पूरे देश में इस टाइम पर 28 राज्य हैं, इसका मतलब 28 गवर्नर हो सकते हैं। वो अलग बात है कि एक गवर्नर 2 का भी बना दें,
और दो यूटी हैं तो एलजी यहां भी बैठते होंगे, इनको चलो हम छोड़ दें। 28 राज्यों में कहीं ना कहीं हर जगह क्या बैठा हुआ है? गवर्नर। ये गवर्नर कोई एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं बनता, जनरली कोई संन्यास ले गया पॉलिटिक्स से, पहले कभी बड़ी पार्टी का मेंबर था, अब नहीं कर रहा कोई काम, इसको बना देते हैं। गवर्नर जो बनेगा ना वो आदमी सीधे केंद्र सरकार से प्रभावित है, और जो आपके आज मोदी जी हैं इनकी मर्जी से ही 28 गवर्नर बनाए गए हैं। कोई भी आदमी जो मोदी जी का चहेता नहीं होगा वो गवर्नर नहीं बन सकता, जैसे पहले कांग्रेस के चहेते बनते थे जब उनकी सरकार थी। ये गवर्नर हमेशा उसी पार्टी के होते हैं जो सत्ता में बैठी है भारत में या केंद्र में। किसी राज्य का सीएम हो सकता है इस टाइम पर कांग्रेस का हो, हम पंजाब का एग्जांपल देख लेते हैं। पंजाब का सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन सी पार्टी के? कांग्रेस के ना। उनकी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी जो है कांग्रेस, उससे ठीक अपोजिट पार्टी बैठी है, तो जो गवर्नर बना रखा होगा वो कांग्रेस का होगा या बीजेपी का? अब मुझे बताओ, कांग्रेस के खिलाफ अगर कहीं विरोध प्रदर्शन होगा, कहीं कोई कुछ भी होगा, तो क्या ये रिपोर्ट बना के तुरंत पहुंचा देगा? पहुंचा देगा ना। अब इसको ऐसे देखो, अगर ये गवर्नर उसी राज्य का कोई आदमी होता और सीएम इसको इन्फ्लुएंस कर देता, यार देख मेरा तो हमारा पुराना साथ है, तो मेरे साथ पढ़ा है, ये है वो है, रिपोर्ट ऐसी लिख दे, तो ठीक रहता है? गलत रहता? गलत रहता ना। ये आदमी कभी भी जिस राज्य में बनेगा उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है कि जहां भी आप गवर्नर बनकर जा रहे हैं आप उस राज्य से संबंधित बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे हरियाणा में आजकल कौन है आपका गवर्नर? बंडारू दत्तात्रेय। कहां के हैं? तेलंगाना। ना कोई लेना ना देना, हमारे दूर दूर तक ना हमारी जबान उनकी समझ में आए। ऐसे ही उठा के किसी को भी अपने एरिया से बाहर गवर्नरशिप मिलती है। सीएम हमेशा उसी एरिया से बिलोंग करता है। सीएम हो सकता है अलग पार्टी का, गवर्नर हो सकता है अलग पार्टी का। अगर दोनों एक पार्टी के हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो दिक्कत होनी नहीं। लेकिन अगर अपोजिशन के भी हैं तब भी गवर्नर की जिम्मेदारी है 15 दिन में अपने राज्य की रिपोर्ट बना के और कहां पहुंचा दे? गृह मंत्रालय। ये गृह मंत्रालय देखता है कहां गड़बड़ हो रही है। मान लीजिए किसी राज्य में बहुत बड़े लेवल पर अंदर ही अंदर गड़बड़ चल रही थी, जिस रिपोर्ट को गृह मंत्री ने पढ़ के कहा इस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर था, संवैधानिक तंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ये विफल हो गया, यानी यहां की सरकार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर पा रही, कमजोर है, सक्षम नहीं है। अगर ऐसी दो रिपोर्ट चली गई ना तो गृह मंत्री तुरंत से राष्ट्रपति को कहेगा उस राज्य में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। एकदम से नहीं लगता, पहले वहां की कंडीशन परखी जाती है। कितनी रिपोर्ट जाए अगर दो, कितने कितने दिन में किसके पास जाती है रिपोर्ट? ये सारी बड़ी बातें पीएम को बताता है और फिर पीएम डायरेक्शन देगा राष्ट्रपति को कि उस राज्य में क्या ठीक से नहीं चल रहा, संवैधानिक तंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम नहीं हो रहा, गलत तरीके से काम हो रहा है, और तुरंत से राष्ट्रपति ऑर्डर देगा कि यहां की विधानसभा भंग करो या इससे पावर छीन लो और यहां क्या लगा दो? राष्ट्रपति शासन। जब राष्ट्रपति शासन लगेगा ना तो सीएम की पावर जीरो पे आ गई। अब सीएम कुछ नहीं कर सकता, इस टाइम पे सारी पावर चली जाएंगी गवर्नर के हाथ में। तो राष्ट्रपति शासन लगने से किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई? लेकिन अगर गवर्नर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई तो ये मत सोचो कि मर्जी चल गई। अगर किसी गवर्नर ने झूठी रिपोर्ट बना के गलत तरीके से 356 का यूज करवाया तो इसको चैलेंज दिया जा सकता है हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, यानी अपनी पावर का मिसयूज ना करे। अब जैसे मान लीजिए पंजाब का जो भी गवर्नर है वो सोचे कि यहाँ केंद्र की सरकार तो बैठी है बीजेपी की, मैं बीजेपी का, ये कांग्रेस के, झूठी रिपोर्ट बना दूं, तो वहां का सीएम तो जानता है ना कि रिपोर्ट झूठी, अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो तुरंत चैलेंज कर देगा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। इस चैलेंज को अगर उसने प्रूफ कर दिया ना कि इसने गलत किया गवर्नर ने, तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जाती है कि आप सही जजमेंट क्यों नहीं कर पाए। इसीलिए इतना आसान नहीं होता कि गवर्नर रिकमेंड कर दे कि मेरे राज्य में काम नहीं चल रहा तो 356 लगा दो। हाँ, 356 अगर लग गया तो फिर किसकी पावर खत्म हो गई और पावर किसके हाथ में चली गई? वैसे रियल कंडीशन क्या होती है रोजमर्रा में, पावरफुल कौन होता है? सीएम। राज्यपाल दिखावटी हेड है, एक कागज पर साइन करते टाइम बस ये याद आता है। रियलिटी ये है बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा में कुछ नहीं कर सकते या कोई भी जहां के भी राज्यपाल हैं। असली मर्जी किसकी चलती है? सीएम की। 356 लगते किसकी मर्जी खत्म हो गई? हाँ, और किसके हाथ में पावर चली गई? तो इसलिए राज्यपाल की क्या इच्छा होती हुई कि मैं क्या लगवा दूं यहां 356? लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पास मजबूत आधार चाहिए और वो आधार सिर्फ एक है। क्या गड़बड़ चल रही हो? संवैधानिक तंत्र विफल हो गया भाई, यहां कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम नहीं चल रहा, इलीगल काम कर रहे हैं, तो आप 356 अगर आपने मिसयूज किया तो कहां इसको चैलेंज किया जा सकता है? और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाए तो सोचो सरकार की भी भद पिटती है कि कैसी सरकार है, कैसा गवर्नर है ये। सीएम के ऊपर बात नहीं आती जितनी गवर्नर के ऊपर आती है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के इस सबका यूज किया जाता है। राज्यपाल हमेशा राज्य से बाहर का आदमी बनेगा और इसके बनने के लिए कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं, बेसिक चीजें, तो वो भारत का नागरिक हो, ये तो पहली शर्त है ही, यानी नेपाली भूटानी को नहीं बना सकते। दूसरा, एज कितनी हो? 35 साल। तीसरा, इसकी किसी भी किस पे ना हो ये, हाँ, लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद मतलब सरकारी नौकरी। अगर कोई राष्ट्रपति है रिटायर हो गया तो क्या वो राज्यपाल बन सकता है? बनेगा नहीं, बेइज्जती है ना। आप अगर देश में सबसे ऊंचे पद पर बैठे थे राष्ट्रपति पर और अब आप कहीं पर ऐसे हो गया जैसे कोई डीएसपी जाके कांस्टेबल लग जाए, तो ठीक है या गलत है? गलत है, चाहे वो लग जाए, ऐसे ही अपने से छोटे पद पे नहीं आएगा राष्ट्रपति या कोई भी। तो इस पद के लिए लाभ के पद पे ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कोई संन्यास ले चुके राजनीति से, बीजेपी के बड़े आदमी, कांग्रेस के बड़े आदमी, जब जब उनकी सरकार सत्ता में आएगी उनको कह देगी भैया किसी काम काज पर फिलहाल है भी नहीं लाभ के पद पर, इनको राज्यपाल बना दें। राज्यपाल की इंपॉर्टेंस ये होती है कि बिना इसके सिग्नेचर के कोई भी कानून नहीं बन सकता। सबसे बड़ी पावर यहां दिखती है। आपका राज्य कुछ भी कर ले, आपका सीएम कुछ
भी कर ले, आपकी विधानसभा विधान परिषद कितना ही चाहे, लेकिन किसके सिग्नेचर के बिना कानून नहीं बनेगा? राज्यपाल। इसका मतलब इसके एक साइन की कीमत है, तो इससे पहचान जाओ कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे देश में लोकसभा थी ऐसे राज्य में विधानसभा, जैसे राज्यसभा थी ऐसे विधान परिषद, और जैसे देश का राष्ट्रपति था ऐसे यहां पर राज्यपाल। अब याद करो, धन विधेयक सारे पेश करने से पहले किससे पूछे गए थे? राष्ट्रपति ना, सेम इससे पूछे जाएंगे। सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है। ये मान लो ये राज्य में राष्ट्रपति का छोटा रूप काम कर रहा है, बस एक पावर राष्ट्रपति के पास ज्यादा है। ये मरने वाला जो होता है ना, किसी को फांसी की सजा है या किसी को मृत्यु दंड दिया गया किसी भी फॉर्म का, ये उसको मना कर सकता है, ये इसको मना नहीं कर सकता। ये सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड की सजा को ना ये माफ कर सकता और ना ये हटवा सकता। कौन मृत्यु दंड पे भी हावी हो सकता है, इसलिए राष्ट्रपति की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है किसके मुकाबले? राज्यपाल। बाकी सब कुछ इसका राष्ट्रपति जैसा है, एज देख लो, क्वालिफिकेशन देख लो, सब कुछ सेम चलेगा। भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, इसका इलेक्शन नहीं होता, इसकी सीधा क्या कर दिया जाता है? नियुक्ति, डायरेक्ट इसको बना देते हैं। राष्ट्रपति बनाएगा ना भाई, ये आदमी फला राज्य का राज्यपाल बनेगा। राष्ट्रपति इसको दिल्ली बुलाएगा, मान लीजिए राष्ट्रपति है हरियाणा का, मान लो हट गया या यूपी का हट गया, तो राष्ट्रपति डिस्कशन करेगा और ये डिस्कशन होगा दिल्ली में। किस किसके बीच होगा ये? मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका मुखिया कौन है? पीएम। तभी तो मैंने कहा जिस पार्टी का पीएम है उसी पार्टी के राज्यपाल मिलेंगे सारे, किसी को उठा के देख लेना। इस टाइम सारे राज्यपाल या तो बीजेपी के या आरएसएस के बड़े कार्यकर्ता रहे हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका मुखिया पीएम है, ये सलाह देगी किसको कि सर इस आदमी को यहाँ पे आप राज्यपाल बना दीजिए। राष्ट्रपति दिल्ली बुलाएगा उस आदमी को कि आप आइए, आपको हम उस स्टेट का राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं। यानी इसकी नियुक्ति किसने की है? राष्ट्रपति ने। नियुक्ति का ना एक पत्र मिलता है, इस पे स्टैंप साइन सब कुछ होते हैं राष्ट्रपति के, कहते हैं वारंट जारी करना। वारंट तो मिलेगा पुलिस वाला, ये भी वारंट जारी करना है, ये कुछ ही पोस्ट के लिए होता है बस। तो राज्यपाल को एक लेटर मिलेगा दिल्ली जाके, जो किसने दिया इसको, और राष्ट्रपति इसको वो कागज पकड़ा के कहते हैं आप इस स्टेट को जाके संभालिए, ये आपके अंडर काम करेगी, आप यहां के गवर्नर बन गए। ये अपनी स्टेट में जाएगा, अब जैसे बंडारू दत्तात्रेय आ गए थे हरियाणा में, या पीछे आठ नए अलग अलग राज्यपाल गए, फिर वो वहां जाके वहां के हाई कोर्ट में जो भी चीफ जस्टिस होगा इससे मिलेंगे, और फिर एक दिन डिसाइड किया जाएगा, जिस दिन सबके सामने एक सेरेमनी कंडक्ट की जाएगी जिसमें उस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा और जो ये नया आया है ना राज्यपाल, ये होगा चीफ जस्टिस, इसको शपथ दिलाएंगे। तो इसने अपना लेटर जो लिया वो तो दिल्ली से लिया था, किसके हाथ से मिला वो लेटर, लेकिन इसने शपथ अपने विशेष राज्य में जाकर ली है, इस बात को ध्यान से समझना है। इसने लेटर लिया दिल्ली से, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, लेकिन ये शपथ जाके लेगा जिस राज्य में इसकी नियुक्ति हुई है वहां के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? ऐसा ही कुछ इससे जोड़ के दूसरा देखो, जब ये हाई कोर्ट के जजेस होते हैं ना, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट में किसी जज को बुलाया मान लीजिए दिल्ली, और कहते हैं आप त्रिपुरा हाई कोर्ट से आइए दिल्ली, और नया लेटर ले जाइए, आपको हरियाणा भेजा जा रहा है, चंडीगढ़ भेजा जा रहा है, तो त्रिपुरा से वो आदमी उठ के दिल्ली जाएगा, दिल्ली से राष्ट्रपति उसको फिर से असाइन करेगा एक लेटर जिसमें लिखा है कि अब आपका ट्रांसफर चंडीगढ़ हाईकोर्ट या दिल्ली हाईकोर्ट में कर दिया। फिर वो उस लेटर को लेकर उस राज्य के, अब किसके सामने जाएगा? ये राज्यपाल, और फिर राज्यपाल इसको शपथ दिलाएगा। देखो दोनों का रोल, राज्यपाल को बनाने वाला राष्ट्रपति, हाईकोर्ट के जस्टिस को बनाने वाला भी राष्ट्रपति। दोनों को पहले कहां इनवाइट किया गया? दिल्ली। दोनों को लेटर पकड़ाए, जिसका जहां से लेटर मिला दिल्ली से, फिर वो गया उस राज्य में। एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट से किसी वकील को जज बनने का मौका मिला, भाई उसके 10 साल पूरे हो गए, उसका एक्सपीरियंस था, राष्ट्रपति की नजर में ज्ञाता था, उसको दिल्ली बुलाया कि आप आइए सर, आपको हम केरला हाईकोर्ट भेज रहे हैं। तो वो चंडीगढ़ से दिल्ली गया, दिल्ली जाके अपना लेटर लिया, और फिर वहां से वो फ्लाइट पकड़ के केरल गया, केरल के हाईकोर्ट में जाके चीफ जस्टिस को बताएगा कि ऐसे ऐसे मुझे लेटर मिला है, मैं यहां का राज्यपाल, पता सबको होता ही है। तो वो अगले दिन एक सेरेमनी कंडक्ट करेंगे जिसमें बड़े बड़े सारे राज्य के मुखिया आएंगे, और उस दिन वो शपथ ले लेंगे। उल्टा कर ले, हाईकोर्ट जैसे हाईकोर्ट का किया ऐसे ही राज्यपाल का, यानी इन दोनों को शपथ एक दूसरे के सामने लेनी है। कभी कहीं का राज्यपाल बदलता है, कभी कहीं के हाईकोर्ट के जजेस बदलते हैं। इन दोनों को लेटर दिल्ली से किसने पकड़ाया? लेकिन दोनों ने शपथ दिल्ली नहीं ली, शपथ कहां जाके ली? संबंधित राज्य में जहां इनको भेजा गया। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? अब इसी से जुड़ा एक पॉइंट और सुन लो, जो हाईकोर्ट है ना आपके देश में, ये 25 है, हाईकोर्ट में जितने जजेस काम करते हैं ये सरकार का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ही देश को चला रही है। इन सबकी सैलरी ये जिस राज्य के हाईकोर्ट में है ना, उस राज्य में एक निधि होती है, कल मैंने कहा था संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, कल ही बात हुई थी ये, आर्टिकल 266, इनको इससे पैसे मिलते हैं। मान लीजिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट में इस टाइम पे एक आइडिया लेते हैं 60 जजेस हैं, इन सबकी सैलरी हरियाणा प्लस पंजाब प्लस चंडीगढ़ सब मिलके देंगे, क्योंकि तीनों के केस देखते हैं ये। अगर 60 जजेस हैं और एक जज की सैलरी 2,80,000 तो होती है चीफ जस्टिस की हाईकोर्ट में, बाकियों की होती है ये 2,80,000 तो इसकी होती है सबसे बड़े की सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे है देखो ये 2,80,000, 2,50,000, फिर 2,50,000 और फिर 2,250,000। ये जो है ना ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है जो सबसे बड़े हैं, जो एन वी रमन्ना जो प्रेजेंट में बैठे हैं, ये दोनों होती हैं सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस जो 33 हो सकते हैं, और ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बराबर सैलरी होती है, और जो हाई कोर्ट में बाकी जजेस होते हैं उनकी 2,25,000 रुपए महीना सैलरी होती है। तो ये जो सैलरी लेते हैं ना हाई कोर्ट वाले, ये उसी राज्य से लेंगे जहां ये काम करते हैं। अगर साझे का काम करते हैं तो तीनों को कह देंगे भाई इतने इतने प्रतिशत तुम दोगे। और अगर बात करें इनकी रिटायरमेंट हो गई, अब ये 60 जज रिटायर होंगे हाई कोर्ट से, जब इनकी उम्र कितनी हो जाएगी 62 साल, रिटायरमेंट के बाद ये अपने अपने घर जाएंगे, अब इनको पेंशन मिलेगी। तो चंडीगढ़
चंडीगढ़ हाईकोर्ट कहेगा मैं क्यों दूं पेंशन, मेरे यहाँ तो इन्होंने 3 साल काम किया, तुम 62 साल तक काम कर रहे थे, मेरे यहाँ तो 3 ही साल तो किया, तुमने बाकी काम बाकी हाईकोर्ट में किया, जाके उनसे लो अपनी पेंशन। ऐसे ही सारे हाईकोर्ट मना कर देंगे। तो एक प्रावधान किया कि ठीक है जहां जहां काम करें इनकी सैलरी तुम देते रहना, लेकिन जब ये रिटायर हो जाएं तो इनकी सैलरी भारत की संचित निधि से दे दी जाएगी। पहले जो पेंशन है, पेंशन ये देगा, बाकी सैलरी ये देगा। संचित निधि सबकी अलग अलग होती है, हरियाणा की जितनी उतनी बिहार की नहीं है, उतनी उड़ीसा की नहीं है। अपनी संचित निधि से रोजमर्रा के खर्चे करो, लेकिन जब जजेस रिटायर होंगे तो हर कोई मुकर जाएगा कि मैं क्यों करूं, मेरे यहां तो 1 महीने काम कर गया, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने। इसलिए कह दिया ठीक है इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है। कहां की संचित निधि से दे देंगे? भारत की। ये ध्यान रखना है। सेम कंडीशन राज्यपाल के साथ होती है। राज्यपाल कभी कभी 8 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 10 दिन के लिए भी आ जाते हैं। अगर राज्यपाल जहां काम कर रहा है उसी से सैलरी लेगा, एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए पंजाब में काम कर रहा है राज्यपाल, पंजाब ही अपने संचित निधि से सैलरी देगा। लेकिन जिस दिन ये राज्यपाल रिटायर होगा, क्योंकि इसके जो टाइम पीरियड है ना, वैसे तो 5 साल का है, लेकिन आपके देश में 17 साल भी रहे हैं, कुछ लोग 11 साल भी रहे हैं, तो जितना ये काम करेगा ठीक है, उसके बाद जब ये रिटायर होगा तो पंजाब कहेगा मैं क्यों दूं, मेरे यहाँ इसने 1.5 साल काम किया या 1 साल काम किया, तो इसकी भी पेंशन कौन देगा फिर? आपका देश। तो देखो देश की संचित निधि पे कितना खर्चा होगा, खुद सोच के देखो। आज तक कितने जजेस रिटायर हुए हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट आज से तो नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट तो स्टार्टिंग से है। ये हाईकोर्ट तो आपके देश में अंग्रेजों ने बना दिए थे 1862 में, देखना जरा 1962 गए भी कितने दिन हो गए, 2022 आने वाला है, तो 150 साल लगभग पूरे हो गए, 150 प्लस। उस कंडीशन में उस टाइम के तो खैर मर गए होंगे, लेकिन आजादी के बाद तो आपके लोग जिंदा ही हैं। उन सबकी पेंशन किसके सिर पर है? तो देश के खर्चे छोटे हैं या बहुत बड़े हैं? इसीलिए जब पैसे का बंटवारा होता है ना, तो टोटल पैसे का 70% देश रख लेता है कि मेरे पास खर्चे बहुत ज्यादा हैं, राज्यों के पास खर्चे उतने नहीं है, तो मैं तो बस जब तक काम कर रहे हैं तब तक देखना है, मुझे जब तक मरना जाए तब तक देखना है, क्योंकि पेंशन तो पूरी जिंदगी कमाएंगे ना वो, पहले वो फिर उनकी पत्नी। तो हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें देखी, राज्यपाल राज्य का मुखिया है और उसी राज्य में क्या होता है एक हाईकोर्ट, वहां के जजेस, इन दोनों की नियुक्ति कौन करेगा? इन दोनों की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। दोनों के नाम वारंट जारी होता है, राष्ट्रपति की साइन और उसकी स्टैंप लगती है। ये कहां से लेके आना पड़ता है कागज? दिल्ली। फिर ये कहां चले जाते हैं? जहां भेजे जा रहे हैं, कोई दिल्ली भेजा जाएगा, कोई राजस्थान, कोई यूपी, तो जहां भेज दिया वहां चले गए। फिर ये संबंधित राज्य में जाके, रिलेटेड जहां इनको काम दिया, और वहां जाके राज्यपाल किसके सामने शपथ लेगा? हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने। और अगर ये गया है नया तो ये क्या करेगा? ये हाईकोर्ट, ये राज्यपाल के सामने, यानी दोनों मिलकर काम करते हैं राज्य का। दोनों तनख्वाह भी किससे लेंगे? लेकिन जब दोनों रिटायर होंगे तो दोनों की पेंशन देश की संचित निधि से। क्लियर हो गया सबको ये? ठीक है, थोड़ा सा राज्यपाल पढ़ेंगे, फिर कुछ अलग पॉइंट आएगा तो बता दूंगी मैं। पेज 184 पे आ जाओ। राज्यपाल, एक भाग बताया था तुम्हें, 152 से 237, याद है ये? हाँ, एक बताओ जरा पांच भाग क्या था? भाग 5 पूरे देश की जानकारी, भारत की सिस्टम कैसे चलता है, कहां से स्टार्ट हुआ था ये 52 से 151, इसमें पूरे देश की जानकारी थी। अब हम पढ़ रहे हैं, ये भाग 5 था, अब हम लोग ना 3-4 दिन से 6 भाग पढ़ रहे हैं। कहां से स्टार्ट है ये 152, कहां तक चलेगा? इसी में आपकी विधानसभा आ गई, आपकी विधान परिषद आ गई, और अब तीसरा क्या पढ़ रहे हैं? राज्यपाल। तो यही बता रहे हैं भाग 6। यहाँ ऊपर लिख लो 152 से 273, इन्होंने थोड़े से लिखे क्योंकि ये राज्यपाल की बात करेंगे, बस टोटल लिख लो 152 से 237, इसमें पूरी जानकारी है राज्य की, भाग 6। चलो आगे देखो, राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, अंडरलाइन कर लो, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, सब कार्यपालिका, सब काम करेंगे। संविधान के भाग 6 को राज्यों का संविधान के रूप में जाना जाता है। एग्जाम में आ जाएगा राज्यों का संविधान कहाँ है? इंडिया के संविधान में, भाग 6, क्योंकि वो किसकी जानकारी देता है? राज्यों की। कहाँ से कहाँ आर्टिकल है? 152 से 237 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, राज्यों का संविधान आधों को पता ही नहीं चलेगा। पार्ट 6 राज्यों का संविधान है, पार्ट 5 देश का, पूरे संविधान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी कॉपी की गई है लगभग इसमें। तो भाग 6 कहाँ से कहाँ तक है? 152 से 237 तक। नेक्स्ट देखना, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, टिक कर लो, संवैधानिक प्रधान। किताब ने कह रखा भी तेरे हाथ में सारी पावर है, कभी राज्य का आदमी नहीं होता। नेक्स्ट टिक करना, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का सर्वोच्च प्रधान है, राज्य के सभी काम राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। थोड़ी सी साउंड बढ़ा दो, राज्य के सभी काम किसके नाम पर किए जाते हैं? राज्यपाल। नेक्स्ट पढ़ना, नेक्स्ट पॉइंट की सेकंड लाइन पीछे टिक कर लो, भारतीय संविधान में ही राज्य का संविधान वर्णित है। तो पूछेंगे बताओ राज्य का संविधान संविधान के किस भाग में है? भाग 6 में। थोड़ा सा अलर्ट रहो, डंप नहीं बैठना होता क्लास में। राज्य का संविधान किस भाग में है? 6 में। कहाँ से कहाँ आर्टिकल? 152 से 237 में। अगला देखो, हाँ ठीक है, संविधान में राज्य का संविधान। अगला पॉइंट करना, अनुच्छेद 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन 1956, इसको थोड़ा सा सुन लो क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता। आपके देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था किस सन में, क्या डेट थी? तभी तो आप रिपब्लिक डे मनाते हो। इसके इस टाइम के आपके पास स्टेट्स थे क्या? नहीं, स्टेट्स नहीं थे। आपके स्टेट्स जाके बने हैं 1956 में। तो इससे पहले आपका देश कैसे काम कर रहा था? हमारे देश में या तो देसी रियासतें थी या ब्रिटिश भारत, या फिर एक और हिस्सा था जिसे आप कहते थे कमिश्नरी प्रांत। कमिश्नरी प्रांत, ये मैंने तुम्हें बेसिक बैच में करवाया था। देशी रियासतें 565 थी जब आप आज़ाद हुए, ब्रिटिश भारत जो अंग्रेज छोड़ के भाग गए खाली वीरान, कमिश्नरी प्रांत 4 थे, ए बी सी डी। ए मतलब
अजमेर, मारवाड़ राजस्थान का हिस्सा, बी मतलब बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का बहुत अच्छा इलाका है, खनिज बहुत ज्यादा, सी मतलब कुर्ग कर्नाटक और डी मतलब दिल्ली। ये कमिश्नरी प्रांत सिर्फ चार थे जहां कमिश्नर बैठता था, जैसे आज यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी, ऐसे मान लो उस टाइम के कमिश्नरी प्रांत थे चार। ब्रिटिश भारत जो था, अंग्रेज जहां बैठे थे, जहां हमारा कोई लोकल राजा नहीं था, और ये थी अपनी देसी रियासतें। इन सब के टाइम पर अंग्रेज जब भाग गए तो क्या करते, तो सरदार पटेल ने कहा भारत का एकीकरण होगा, सब एक बनेंगे, और 1948 से 50 तक भारत को एक बना दिया, इन सबको ऐड कर दिया और कह दिया ये भारत है। लेकिन ऐसे कहने से काम नहीं चलता ना, काम करना पड़ता है, इसीलिए इनके कहने के बाद भी बहुत लड़ाई झगड़े मारकाट मचे। और 1953 में एक आदमी था पी रामुल्ला, इसने भूख हड़ताल कर दी और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ कहीं ना कहीं नेगेटिव थी, और पूरे हैदराबाद की रियासत के आसपास के जितने गांव थे वो सब सड़कों पर उतर आए, आग लगा दी पोस्ट ऑफिसेज में, बैंकों में, रेलवे की पटरियां निकाल दी। तो एक ये अपना गुस्सा प्रूव करने का तरीका अपनाया। इस गुस्से से दिल्ली तक जो थे लोग हिल गए, और राजधानी में बैठे पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने डिसाइड किया कि अब बहुत जल्दी करके राज्य बना देने चाहिए, वरना रोज की कहानी बन जाएगी। जैसे अब देखो, रोज का टारगेट हमने बना लिया, हरियाणा में हर जगह प्रदर्शन करेंगे, तो जहां जहां प्रदर्शन होगा तो ये बात सरकार के कान में तो जाएगी ना, और जिस दिन वो दुखी होगी तो फाइनली वो कोई ना कोई डिसीजन लेगी, और जो आप लोगों की डिमांड है उनके ऊपर उसको काम करना पड़ेगा। तो ये 53 की रामुल्ला की डेथ वेस्ट नहीं गई, इसने दिल्ली के मन में ये डर बिठाया उस टाइम के शासन के मन में कि स्टेट बनाने पड़ेंगे। और इसीलिए 1953 में एक आदमी थे फजल अली, रिटायर्ड जस्टिस थे, इनको कहा सर आपको हेड बना रहे हैं, एक आयोग बना रहे हैं, फजल अली आयोग, जो पूरे देश में घूमेगा, 2-3 साल जितना टाइम लगे लगाओ, और जाके वहां के लीडर्स, लोकल लीडर्स से मिलो और बताओ जरा रिपोर्ट बनाओ इंडिया में स्टेट्स किस बेसिस पर बने। इन्होंने 2 साल पूरे भारत की यात्रा की, 53 से लेकर 55 तक, और तब कहीं जाके 1956 में इनके कहने के अकॉर्डिंग आपके देश में 14 स्टेट्स बने और 6 यूनियन टेरिटरी बने। और उस दिन से आज तक आप इसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, चाहे आयोग बदले, लेकिन इसको अपने बेस मान लिया। 1956 में इसकी रिपोर्ट को आपने लागू करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया, और एक अमेंडमेंट था ये 7वां। इसलिए कभी अगर पेपर में आए कि राज्यों से संबंधित कौन सा अमेंडमेंट था जब राज्य बने, तो कौन सा था ये 7वां, कौन से सन में हुआ ये, इसके बेसिस पे कितने स्टेट्स बनाए गए, 14। किसका कहना था ये सब, फजल अली। फजल अली के साथ दो आदमी और थे, एक का नाम था कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और एक है के एम पणिक्कर। 3 आदमियों के कारण ये सब हुआ। चलो पढ़ेंगे आगे, ये सब आगे भी दिया है, आज सिर्फ इसको सुन लिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आना, हमने कौन सा चौथा पॉइंट किया था, हाँ ये 153 ना, ठीक है, टिक मार्क करो। 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 किससे संबंधित है, राज्य बनाने से, लिख लो इसके पास, राज्य निर्माण से संबंधित। 7th अमेंडमेंट फॉर्मेशन ऑफ स्टेट से जुड़ा हुआ है, राज्य निर्माण से संबंधित। चलो आगे पढ़ो, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो क्या एक आदमी 2 राज्यों को संभाल सकता है। एक महिला है टी सौंदरा राजन, तेलंगाना की राज्यपाल है, किसको एक्स्ट्रा संभाल रही है, कौन से इसको, पुदुचेरी को, उसका ये एग्जांपल है, बदलते रहते हैं ये, वो एडिशनल चार्ज देख रही है। नेक्स्ट देखना, राज्य में संसदीय व्यवस्था है जिसमें एक कार्यपालिका का प्रधान, जिसे राज्यपाल कहते हैं, टिक कर लो, संसदीय व्यवस्था, राज्यपाल प्रधान, उसकी सलाह के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। तो ये जैसे देश में था, सेम ही तो स्ट्रक्चर है, देश में कौन था, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यहाँ कौन कौन है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, सब कुछ सेम है। अगला पॉइंट करना, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं, इनका प्रयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं करे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करे। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में काम करता है, कार्यकारी प्रमुख, एग्जाम में आएगा राज्य का कार्यकारी प्रमुख निम्न में से कौन है, आधे सीएम टिक करेंगे, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन है, राज्यपाल। किसकी सलाह से काम करता है, सीएम अकेला ना कहकर क्या कहें, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट टिक करना, राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का वास्तविक कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं। देखो ये 2 तरह के हेड की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने देश के टाइम भी तुम्हें बताया था, एक बार बोर्ड पे देखो, एक है संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संवैधानिक, और एक है वास्तविक। असली पावर किसके हाथ में है, देश की, 2 इलाके, एक देश है आपके पास, एक राज्य। किताबी हेड कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वास्तविक हेड कौन है, पीएम। राज्य में कौन है ये, राज्यपाल, दिखावट करने के लिए साइन करने का काम। असली कौन है, सीएम। तो असली पावर तो सीएम और पीएम की है, लेकिन दिखावट दे रखी है, साइन जिसके होते हैं वो है राष्ट्रपति और राज्यपाल। अगला पॉइंट कर लो, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका, लिख लो, रियल में पावरफुल, असलियत में यही है ताकतवर। सीएम जिस दिन चाहेगा उस दिन राज्य बदलेगा। नेक्स्ट करना, राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि या एजेंट के रूप में काम करता है, ऐसा किस बेसिस पे कहते हो तुम कि ये केंद्र का एजेंट है, क्या करता है 15 दिन में, रिपोर्ट, लिख लो यहाँ, लिखो 15 दिन में रिपोर्ट गृह मंत्री को भेजता है। तो गृह मंत्री ने इसको कह रखा है भैया 15 दिन में रिपोर्ट मुझे मिले, तेरे राज्य में क्या चल रहा है, गड़बड़ चल रही है, 356 लगा देंगे, 15 दिन में रिपोर्ट गृह मंत्री को। अब बताओ इसका इलेक्शन होगा या नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, मर्जी से करेगा या पीएम और मंत्रिपरिषद बताएंगे। इसलिए जिसकी सरकार केंद्र में, राज्यपाल भी उसी पार्टी के, अगर 28 राज्यपाल 28 के 28 बीजेपी के हैं। पढ़ लो नियुक्ति में, राज्यपाल की नियुक्ति पहली लाइन में टिक करना, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है, पीएम। पीएम जिसके सिर पर हाथ रख देगा वही राज्यपाल बनेगा, सब कुछ उसके हाथ में है। नेक्स्ट पढ़ लो,
राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में दो परंपराएं क्या हैं? पहला, संबंधित राज्य के निवासी को उसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाए। पहली शर्त क्या है? क्या कोशिश करें कि जहां भेजना है उस राज्य का ना हो? अगर उस राज्य का होगा तो कौन उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है? सीएम। और फिर रिपोर्ट कैसी बनवा देगा? झूठी, तो फंस जाएगा ना वो। केंद्र का एजेंट है तो वहां से मत बनाना जहां भेजना है। नेक्स्ट कर लो, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के सीएम से परामर्श किया जाता है, यानी सीएम से पूछा जाता है, सर आपके यहाँ इस वाले आदमी को भेज दें क्या? अगर सीएम उसी पार्टी का है तो पूछने की जरूरत नहीं है, वैसे पूछने का एक कायदा है, एक लिखा हुआ है। क्या आपके देश में आज तक ऐसा हुआ है कि सेम राज्य का आदमी अपने यहाँ गवर्नर बना हो? हुआ है, बंगाल में हुआ था, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है। 99.9% क्या कोशिश रहती है? जिस राज्य का राज्यपाल है वो वहाँ का नागरिक ना हो, कहीं और का हो। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट पॉइंट में सेकंड लाइन टिक कर लो, सरकारिया आयोग। एक दिन तुम्हें शायद ये बताया था, नाम सरकारिया है, आदमी का नाम कौन था? ये आदमी जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया, पंचायती राज वाले दिन बताया होगा। एक आदमी है रणजीत सिंह, बहुत पढ़ा लिखा समझदार आदमी, नाम के आगे लिखा हुआ है सरकारिया। 1983 में इसको कहा, सर आप खूब पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, आप एक आयोग बना देते हैं आपके अंडर, नाम रख देंगे सरकारी आयोग, आप एक रिपोर्ट बनाओ केंद्र और राज्य के संबंध कैसे अच्छे हों, क्योंकि बहुत बार केंद्र में सरकार किसी और की होती है और राज्य में किसी और की, तो उन दोनों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपस में तू तू मैं ना हो, कहाँ सुनी ना हो, चाहे बेशक अपोजिशन की सरकार हो। तो इस तरह से इसने बहुत सारी बातें बताई, जिनमें गवर्नर्स के ऊपर भी बात थी, जिनमें हाईकोर्ट के जजेस के ऊपर भी बात थी, तो उसी का जिक्र कर रहे हैं सरकारी आयोग। 1983 किस पर बेस्ड था? ये केंद्र और राज्यों के संबंधों पर। पेपर में आता है क्वेश्चन किस पर बेस्ड था, यहाँ लिख लो, ये सरकारी आयोग वाली लाइन में लिख लो, केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित आयोग। चार नाम देंगे और पूछेंगे कौन सा था, तो केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित आयोग। अपनी भाषा में लिख लोगे तो जल्दी याद रहेगा लंबे टाइम तक। सेकंड लाइन टिक करना, सरकारी आयोग 1983, इसने राज्यपाल के लिए क्या सिफारिश की? पहला पढ़ो, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लें। दूसरा, राज्यपाल के पद पर ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो सक्रिय राजनीति में ना हो। ठीक है, इन दोनों पे ही काम कर रही है हमारी सरकार। तो पूछेंगे किस आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल की पोस्ट के ऊपर थोड़ा काम किया गया? सरकारी आयोग। कौन था इसका अध्यक्ष? रणजीत सिंह सरकारिया। कब आया था आयोग? 1983 में। अगले पेज पर आ जाओ, राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या है? कितनी एज होनी चाहिए? कहाँ का नागरिक हो? किस पोस्ट पर ना बैठा हो? नाब के पद पर। सेकंड लाइन टिक करना, भारत की नागरिकता 35 वर्ष की आयु। अगला पॉइंट टिक करना, राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, संसद के किसी सदन यानी एमपी या किसी राज्य के विधानमंडल यानी एमएलए के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो क्या क्या नहीं होगा? ना एमपी ना एमएलए, लिख लो यहाँ, एमपी एमएलए नहीं बन सकता, और अगर बन गया है तो फिर छोड़नी पड़ेगी वो पोस्ट, एमपी एमएलए नहीं बन सकता। ये मोटी मोटी चीज़ें अगर याद रह गई ना, फिर पेपर में टिक करना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट में आ जाओ, कार्यकाल कितने साल के लिए बनता है? लेकिन आपके देश में सब कुछ अपवाद है। पहला पॉइंट करना, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। अब एक बार बोर्ड पे देखो, टी सौंदरा राजन का मैंने नाम लिया, कहाँ की थी? तेलंगाना। अब क्या एडिशनल संभाल रही हैं? अच्छा, तेलंगाना की टी सौंदरा राजन, तेलंगाना से यहाँ की तो थी ही गवर्नर, कहाँ का एडिशनल चार्ज दे दिया? किसका? पुदुचेरी का। अब एक चीज बताओ मुझे, ये एडिशनल चार्ज किसने दिया होगा? राष्ट्रपति ने। किससे सलाह की होगी? जब इसका चार्ज दिया तो क्या इसके लिए शपथ अलग लेनी पड़ी होगी? ऑलरेडी वो कहाँ की थी, लेकिन फिर भी उसको शपथ लेनी पड़ी। अब थोड़े से कान खुले रखना, जहां जहां का एडिशनल चार्ज मिलेगा वहां के हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा, और वहां के हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने शपथ लेनी पड़ेगी। एक की शपथ से आपका काम नहीं चलेगा। इन केस मानो प्रेजेंट में एक और एडिशनल चार्ज इन्हीं को दे दें, आंध्र प्रदेश का, तो क्या ये तीसरी जगह भी जाएगी? हर जगह ऐसे ही ये प्रावधान है, हर हाईकोर्ट में जाके अलग अलग चीफ जस्टिस के सामने इनको क्या लेनी पड़ेगी? शपथ। वो कागज पढ़ना होता है, कुछ नहीं, चार लाइन लिखी होती है उसमें, लेकिन वो फॉर्मेलिटी करनी है, यानी कि एक्स्ट्रा मिल गया तो मुझे जाना ही नहीं, वहां जाना पड़ेगा, एक तरह से पद ग्रहण करना पड़ेगा, शपथ होगी, वो फंक्शन सेरेमनी, सारी चीजें रखी जाएंगी। तो ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पे आ जाओ, कार्यकाल 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट पढ़ना, 5 वर्ष की अवधि से पहले उसे हटाया जा सकता है, अगर गड़बड़ करे तो हटा देंगे, क्योंकि संविधान में स्पष्ट किया गया कि, अंडरलाइन करो, वो राष्ट्रपति के चाहने तक, प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक उसकी इच्छा करे, अपना पद धारण करता है। तो इसलिए 5 साल की कंडीशन कई बार क्रॉस भी की है। अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल ढंग का लगे, क्या सच में राष्ट्रपति को लगे या पीएम को लगे? पीएम को लगे। अगर पीएम को लगे ना, यार अच्छा आदमी सही काम संभाल रहा है, तो 5 साल की कंडीशन लिखित में नहीं है, लिखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक, एज लॉन्ग एज राष्ट्रपति को अच्छा लगे, भैया ये आदमी ठीक काम करता है, 5 पूरे हो गए कोई बात नहीं। 17 साल का रिकॉर्ड है आपके देश में एक आदमी का, उसका नाम था KR किदवई, हरियाणा भी संभाल के गया, कई राज्य संभाले, तो किदवई एक ऐसा नाम है, ये है अपना, मुस्लिम है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, तो किदवई एक ऐसे इंसान है जिन्होंने 17 साल आपके देश की राजनीति में किस पोस्ट पर काटे हैं? औरतों की बात करें तो पद्मजा, पद्मजा सरोजनी नायडू की बेटी थी, 11 साल राज्यपाल के पद पे रह गई। तो इसका मतलब 5 साल वाली कंडीशन जरूरी नहीं है, जरूरी है राष्ट्रपति के जब तक मन में इच्छा हो तब तक बैठाए रखे किसी भी राज्यपाल में, किसी भी राज्यपाल को, ये टिक कर लो। तो 5 वर्ष से पहले हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया, यहाँ लिख लो, 17 वर्ष सर्वाधिक लंबी अवधि, लॉन्गेस्ट टेन्योर एज गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। किदवई थे ये, लंबा चौड़ा सा नाम था इनका,
अब मुझे याद नहीं, अख्तार कुछ करके लंबा चौड़ा सा नाम है, मुस्लिम थे तो काफी लंबा, इसलिए किदवई के नाम से ज्यादा फेमस हुए। यहीं लिख लो फीमेल में पद्मजा नायडू 11 साल राज्यपाल रही, ये 17 लिख लेना, AR किदवई 17 साल और पद्मजा नायडू 11 साल। और भी बहुत लोग हैं, कोई 13, कोई 14, कोई 17 मैक्सिमम, 17 के बाद नहीं है। तो अगर पूछे कितने वर्ष तो क्या टिक करोगे, 5। लेकिन अगर ऑप्शन में हो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, तब क्या टिक करके आओगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये स्पष्ट है। शपथ पे आ जाओ, कहाँ शपथ लेगा, ये लेटर लेके आएगा दिल्ली से, शपथ कहाँ लेगा, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, अंडरलाइन करना। राज्यपाल को राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संविधान की रक्षा और जनता की सेवा की शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल की शक्तियों में आ जाओ, पहला पॉइंट करना, राज्यपाल की शक्तियाँ केंद्र में राष्ट्रपति की शक्तियों के समान है, जैसे लोकसभा थी ऐसे विधानसभा, जैसे राज्यसभा ऐसे विधान परिषद, और जैसे राष्ट्रपति ऐसे राज्यपाल, सेम है। दोनों की शक्तियों में मुख्य अंतर यह है कि राज्यपाल को राजनयिक शक्ति नहीं है, या हाई कमिश्नर्स को नहीं भेज सकता, सैनिक शक्ति नहीं है, जैसे राष्ट्रपति आर्मी एयरफोर्स नेवी का प्रधान कमांडर था, ये नहीं है, और आपातकाल नहीं लगा सकता, जैसे कौन लगा सकता था, राष्ट्रपति, और कौन सा दंड माफ कर सकता है, राष्ट्रपति मृत्युदंड, ये नहीं माफ कर सकता, ये अलग है। कार्यपालिका शक्तियों पर आ जाओ, आपके देश में सारे बड़ी बड़ी पोस्ट, जैसे जितना PM बनेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेगी, सबकी नियुक्ति कौन करता है, सबकी नियुक्ति कौन करता है, हाँ देखो तुम कितने दिनों से बातें सुन रहे हो तब भी तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है, सारे बड़े लोगों की नियुक्ति कौन करता है देश में, राष्ट्रपति, किसकी सलाह पर, हाँ आपके देश PM की सलाह नहीं कहते, कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे आप क्या कहते हो, हमारी मंत्रिपरिषद। आपके देश में सबसे बड़ी अगर मैं बात करूँ UPSC है, आपके देश में इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, या जितने बड़े नाम तुमने सुने, इन सबके मेंबर्स की नियुक्ति कौन करता है, हाँ जितने बड़े बड़े आदमी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, या CAG है, जितने नाम आज तक सुने हैं ना, उतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे लोगों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति वही करता है जैसा PM और उसकी मंत्रिपरिषद चाहती है या इशारा देती है कि सर इसको बना दीजिए आप CAG, उसी को बनाएगा, अपने घर से अपनी मर्जी से नहीं बना सकता। राष्ट्रपति को सारी परमिशन एक तरह से ये देता है कि इसका नाम जाएगा। सेम ऐसा काम किसके साथ है, राज्यपाल। बंडारू दत्तात्रेय को नहीं पता हरियाणा में क्या कुछ है, उसको तो भाषा भी समझ में नहीं आएगी, हरियाणा के लोग क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उनको नहीं कुछ भी पता, उनको सारी बातें कौन बताएगा, CM और मंत्री, सर ऐसा कर दीजिए, ये घोषणा करवा दीजिए। राज्यपाल तो उस राज्य होता भी नहीं जहां वो राज कर रहा है, जहां का वो मुखिया है, तो उसको क्या नॉलेज ना कल्चर की, ना भाषा की, ना पहनावे की, ना त्योहारों की। ये सारे काम किससे पूछ के करेगा, राज्य की मंत्रिपरिषद। राज्य में इसका मुखिया कौन होता है, CM, और देश में इसका मुखिया PM है। तो जितनी बड़ी नियुक्ति राज्य में होती है ना, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हरियाणा है, UP है, बिहार है, सबका अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, या स्टेट में जितने बड़े बड़े पद पे कोई भी बैठा, चाहे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन हो, स्टेट फाइनेंस कमीशन हो, इन सबकी नियुक्ति कौन करेगा राज्य में, लेकिन मर्जी किसकी चलेगी, CM जिसको चाहेगा ना उसको महिला आयोग का अध्यक्ष बनवा देगा राज्य में, CM जिसको चाहेगा उसको कोई भी आयोग क्रिएट कर दिया जाएगा। आपके देश में ना CM के हाथ में इतनी पावर है कि उसे लगे कि मुझे इस आदमी को, मान लीजिए महिला है, अच्छा स्पोर्ट्स में कर रही है, उन्हें लगता है कि इसको हमें किसी चीज का मुखिया बनाना है, तो नई चीजें क्रिएट कर दी जाएंगी और फिर आपके राज्यपाल को कहा जाएगा आप इनकी नियुक्ति कर दीजिए अध्यक्ष के पद पर। तो राज्यपाल सिर्फ फॉर्मेलिटी करता है, मर्जी किसकी चलती है हर चीज में, सारी बड़ी नियुक्तियां। देखो पहला पॉइंट यही है, कार्यपालिका की शक्तियां, पहला पॉइंट पढ़ो, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां एग्जीक्यूटिव पावर्स राज्यपाल में निहित होंगी, इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं, अंडरलाइन करना स्वयं, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, कौन इसके अधीन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लिख लो यहाँ COM इसके अंडर आती है, देश में राष्ट्रपति के अंडर, यहाँ इसके अंडर। नेक्स्ट पढ़ना, कार्यपालिका संबंधी समस्त काम राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, नाम किसका चलता है पूरे राज्य में, राज्यपाल, मर्जी किसकी चलती है, CM जो किसका मुखिया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। अगला पॉइंट पढ़ो, राज्य सरकार के सभी कामों में औपचारिक रूप से राज्यपाल का नाम, टिक कर लो, फॉर्मली सारे काम राज्यपाल के नाम से, करवाने वाला CM, नाम राज्यपाल का। नेक्स्ट पॉइंट देखो, राज्य सरकार के काम के संबंध में नियमों का निर्माण करता है, ये टिक कर लो, सारे रूल्स इसके नाम से बनते हैं। अगला पॉइंट, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ये मुख्यमंत्री मर्जी से बनता है या जनता बनाती है, जनता मुख्यमंत्री बना ही नहीं सकती, जनता क्या बनाती है, जनता डायरेक्ट इलेक्शन सिर्फ दो कर सकती है, या तो MLA का या MP का, जितने आपने MLA बनाए उनमें से ही एक आदमी क्या बनेगा, CM, लेकिन CM को जनता नहीं बनाती, CM की तो सीधे क्या की जाती है, नियुक्ति। और ये क्या होते हैं ये सारे, इनका चयन, या कह लीजिए इनका चुनाव, या कह लीजिए इनका निर्वाचन। जनता किस में हिस्सा लेती है, नियुक्ति में या निर्वाचन में, हाँ नियुक्ति कौन करेगा डायरेक्ट, राज्यपाल या राष्ट्रपति, सीधे नियुक्त कर देंगे। CM बनने की 99% चांसेस तब होते हैं जब जनता ने आपको क्या बना दिया हो, लेकिन 1% चांस ये भी है कि आप इलेक्शन लड़े ही नहीं, आपकी पार्टी जीत गई और पार्टी ने आपको CM बना दिया, लेकिन उसके बाद कंडीशन ये है कि विद इन 6 मंथ्स आपको किसी भी सीट से इलेक्शन लड़के जीत के आना है। इसलिए CM ऐसे ही किसी को नहीं बनाते, जो जीत के आता है उसी को बनाते हैं। हाँ PM बनाने में ये कंडीशन काम आ जाती है, एक एग्जाम्पल आपके सामने इंदिरा गांधी का है, जब इंदिरा गांधी के पिताजी चल बसे 1964 में, तो PM बन गए शास्त्री जी, शास्त्री जी की अचानक मृत्यु हो गई, विदेश में गए हुए थे, तो रातों रात खबर मिली कि एक MP जो कि राज्यसभा से थी और जिनका दूर दूर तक लोकसभा से कोई लेना देना नहीं था, उनको रातों रात क्या बना दिया गया, प्रधानमंत्री। इसका मतलब प्रधानमंत्री के पास चांस है कि वो राज्यपाल कहां से आ सकता है, राज्यसभा से, लेकिन CM की कोशिश करते हैं उसी को बनाएं जिसको जनता ने क्या बनाया है, MLA, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना, हर जगह तो MLC है नहीं। इसीलिए अगला पॉइंट देखो, कहां पहुंचे हम, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, हां अंडरलाइन करना, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जनता ने क्या बनाया उसको, MLA, जनता मुख्यमंत्री नहीं बनाती, जनता MLA बनाती है। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्य का प्रत्येक मंत्री राज्यपाल की इच्छा तक पद धारण करता है, और राज्यपाल किसकी इच्छा तक पद पर रहता है,
किसकी चतक? राष्ट्रपति. और राष्ट्रपति किसके इशारे पे नाचता है? तो ये सारा खेल किसके हाथ में है? पीएम के हाथ में. नेक्स्ट करना, राज्य के एडवोकेट जनरल सबसे बड़ा अधिकारी है ये किसी राज्य में? कानून का. राज्य लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों को नियुक्त करता है, लेकिन राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा नहीं सकता, उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है. अगला भी टिक कर लो, राज्यपाल को राज्य के हाईकोर्ट के जजेस को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, लेकिन इस संबंध में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है. हाईकोर्ट के जजेस कौन बना के भेजता है? ये मैंने एक्सप्लेन किया था, कौन बनाता है? राष्ट्रपति. लेकिन वो शपथ कहाँ लेते हैं? उसी राज्य में जहां भेजे गए वहां से. दोनों ऐसा ही करते हैं. दोनों की सैलरी कहां से आती है? राज्यपाल की और हाईकोर्ट वालों की? राज्य की. लेकिन दोनों की पेंशन? क्योंकि दोनों कुछ टाइम के लिए आते हैं राज्य में. अगले पेज पर आओ. पहला पॉइंट, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति. अधीनस्थ समझते हो? कौन से कोर्ट होते हैं जो हाई कोर्ट के नीचे हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुने ना, सिविल जज, सेशन जज, जो यहां बैठते हैं. ये टिक कर लो, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल हाई कोर्ट से परामर्श करके करता है. क्या ये हाई कोर्ट के जजेस को बना सकता है? हाई कोर्ट वाले कहां से आते हैं? दिल्ली से. राष्ट्रपति बनाएगा. लेकिन जो नीचे के कोर्ट्स हैं, मान लीजिए सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बनाना है, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल. सारे डिस्ट्रिक्ट जजेस को अगर राष्ट्रपति भेजेगा तो कितने हजारों हो जाएंगे? वो तो पॉसिबल ही नहीं है. नेक्स्ट करना, राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है. इसको बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन. बताओ स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके इलेक्शन कंडक्ट कराता है? तुम्हें बताया था मैंने, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन. क्या एमपी एमएलए के इलेक्शन करा सकता है? किसके कराएगा? सिर्फ पंचायत. लिख लो यहां, केवल पंचायत के. केवल पंचायत. एक बार जरा देखो कौन नालायक है जो बात कर रहा है. निकालो इनको बाहर. जिसके पास किताब ना उसको चलता करो यहां से. नेक्स्ट पॉइंट देखना, मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी योजना की जानकारी प्राप्त कर सकता है. कुछ भी पूछ सकता है सीएम से ये. नेक्स्ट भी टिक कर लो, राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सजेशन मांग सकता है या ले सकता है, सिफारिश कर सकता है. अगला पॉइंट करना, इसी लाइन में आगे, राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में होता है. तो जैसे ही देश राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा, किसकी पावर खत्म हो जाएंगी? और पावर किसके हाथ में चली गई? नाम किसका चल रहा है शासन में? राष्ट्रपति शासन. पर असली में पावर यूज कौन कर रहा है? हाँ, तो राज्यपाल चाहेगा कि बन जाए राष्ट्रपति शासन या ना बने? बन जाए ना, तो ये क्या कर सकता है? नकली रिपोर्ट बना देगा. लेकिन नकली बना देगा तो फंसेगा, क्योंकि इसको कहाँ चैलेंज किया जा सकता है? हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में. इसलिए इसको ठीक काम करना पड़ता है. नेक्स्ट करना, वो राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है, इलेक्शन कमिश्नर को. अगला पॉइंट भी टिक कर लो, थर्ड पॉइंट, मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामले या किसी विधायी योजना की जानकारी प्राप्त कर सकता है. चौथा पॉइंट टिक करना, राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सजेशन दे. ये तो हो गया ना राष्ट्रपति, ठीक है. अगला पॉइंट, राज्य के यूनिवर्सिटीज का कुलाधिपति होता है. आपको पता है जितनी भी स्टेट में यूनिवर्सिटी होती है उन सबका चांसलर कौन होता है? हमेशा हर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट की बात नहीं हो रही, सरकारी, कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी अगर चलती है तो ये एक नियम है कि उसका चांसलर वो होगा जो उस राज्य का क्या है? राज्यपाल. अब राज्यपाल जाके किस किस यूनिवर्सिटी को संभालेगा? भाई कभी कहीं कुछ, कभी कहीं, तो कहता भाई मेरे बस की नहीं है, तो मुझे कहने का बस चांसलर बना लो. काम करने के लिए क्या बना दो? वाइस चांसलर. हर यूनिवर्सिटी में वीसी काम करता है. वीसी को सारी यूनिवर्सिटी का पता होता है, कैंपस एरिया, एक्टिविटीज, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, कौन सा कोर्स, कितने, सब पता होता है. लेकिन कहने को अगर कहें कि यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन है, तो क्या कहोगे वहां का? राज्यपाल. ये नियम है, इसलिए वीसी बनाए जाते हैं, क्योंकि राज्यपाल सब कुछ नहीं कर सकता. ये टिक कर लो, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति यानी चांसलर होता है. विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है. कुलपति मतलब वीसी, ये चांसलर है, वीसी की नियुक्ति करेगा. राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्य सूची के 66 विषयों तक विस्तृत है. 66 क्या टॉपिक थे ये? 66 याद है कौन सी लिस्ट में थे? कौन सी लिस्ट में? तीन लिस्ट थी. कौन कौन सी? एक का नाम था केंद्र सूची, एक राज्य सूची, एक संवर्ती सूची. 101 में थे, 66 पहले थे, बाद में घटके कितने रह गए थे? 61. 47 से बढ़के 52, 97 से बढ़के 100. इन सब पे अलग अलग लोग काम करते हैं. इस पे कौन काम करती है? केंद्र सरकार. इस पे काम करती है राज्य. इस पे काम करते हैं दोनों. जिस पे केंद्र सरकार काम करती है, इसका मतलब केंद्र कानून बनाएगा, और कानून पर किसके साइन होंगे? राष्ट्रपति के. इस पर किसके साइन होंगे? राज्यपाल के. तो वही तो पॉइंट बता रहे हैं ये. देखो जरा, ये कहते हैं अगला पॉइंट करना, इसी में राज्य सूची के 66 विषयों तक विस्तृत है. 66 के पास क्या लिख लोगे? 61 बना लो. इन सब पे साइन होंगे राज्यपाल के. नेक्स्ट पॉइंट में देखना, यदि राज्यपाल ये अनुभव करे कि राज्य में, इसको अंडरलाइन करो, संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चलाना संभव नहीं है, राज्य में शांति भंग की स्थिति निर्मित हो गई है, तो वो इस संबंध में राष्ट्रपति को सूचित करेगा, और राज्य में राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन घोषणा करवा देता है. कितने दिन की रिपोर्ट के बेसिस पर? दो रिपोर्ट, यानी कितने दिन हो गए? 30 दिन. कितने दिन में रिपोर्ट गई थी? 15 दिन. एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट करना, राज्यपाल द्विसदनीय विधानमंडल. बताओ दो सदन कहाँ कहाँ है? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. वही यहाँ लिख लो, ओनली 6, केवल 6. तो वहां क्या करता? देखें, विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के 1/6 अंडरलाइन कर लो, साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव, यानी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट. कितने फील्ड के? 5. कौन कौन से? आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, कोऑपरेटिव सोसाइटी. 5 इसके. विधायी शक्तियां किसके साइन के बाद? ये चलो कल कराऊंगी, लंबा टॉपिक है, पहले समझाना पड़ेगा.